अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो पिरेन? पिरेन, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने इजी पैसा अकाउंट से जेज कैश अकाउंट में पैसे किस तरह सेंड करते हैं। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि आप अपने इजी पैसा अकाउंट में जेज कैश में पैसे किस तरह ट्रांसफ़र करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए हर वक्त इस तरह का वीडियो अपलोड करता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना इजी पैसा अकाउंट ओपन करना है। जब आपने अपना इजी पैसा अकाउंट ओपन की तो सबसे पहले आपको ये मनी ट्रांसफ़र का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपको इस मनी ट्रांसफ़र के ऑप्शन में क्लिक करना है। जब आप मनी ट्रांसफ़र के ऑप्शन में क्लिक करते हो तो आपके सामने चार ऑप्शन आएगा। तो आपको नीचे ये बैंक अकाउंट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपको इस बैंक अकाउंट के ऑप्शन में क्लिक करना है। तो दोस्तों, जब आप बैंक अकाउंट के ऑप्शन में क्लिक करते हो तो आपके सामने सारे बैंक के डिटेल आ जाएगा। तो दोस्तों, बहुत से बंदों ने मुझे कमेंट किया है कि जेज कैश का ऑप्शन इधर मौजूद नहीं है, तो हम अपने पैसे कैसे जेज कैश में सेंड करें। तो दोस्तों, आपको इधर से नीचे आना है, आपको ये मोबलिंग माइक्रोनाइज का बैंक का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपको इस मोबलिंक के ऑप्शन में क्लिक करना है, ठीक है ना। इस मोबलिंक के ऑप्शन में क्लिक करते हो तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा। तो दोस्तों, आपको इधर क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना अकाउंट नंबर लिखना है, फिर आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है, फिर आपको अपना अमाउंट लिखना है। आपको जितना अमाउंट सेंड करना है आप अपना अमाउंट इधर लिखो। तो दोस्तों, मैं अपना अकाउंट नंबर और अपना मोबाइल नंबर इधर लिखता हूँ, तो अमाउंट भी लिखता हूँ, फिर पैसे सेंड करके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, मैंने अपना अकाउंट नंबर और अपना मोबाइल नंबर लिख लिया, तो फिर आपको नीचे इधर आपको अपना अमाउंट लिखना है। तो दोस्तों, मुझे 1,000 रुपये भेजना है, ठीक है, मैं इधर से 1,000 रुपये लिखता हूँ। तो दोस्तों, जब मैंने 1,000 रुपये इधर लिख लिया तो फिर आपको ये सिलेक्ट पेमेंट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपको इस ऑप्शन में क्लिक करना है। दोस्तों, जब आप इस ऑप्शन में क्लिक करते हो तो आपको इधर से बिज़नेस सिलेक्ट करना है, आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हो आप करो, मैंने बिज़नेस को सिलेक्ट किया। फिर आपको ये नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक करना है। तो मैंने नेक्स्ट का ऑप्शन क्लिक किया तो ये ऑप्शन हमारे सामने आ गया। तो दोस्तों, आपको ये बाय नाउ का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपको इस बाय नाउ के ऑप्शन में क्लिक करना है। तो सबसे पहले मैंने 1,000 रुपये उधर से सेंड किया, तो दोस्तों इसका चार्जर्स है 30 रुपये। ये 30 रुपये टैक्स काटता है, 1,000 रुपये में 30 रुपये का ये टैक्स काटता है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है, तो 30 रुपये कुछ नहीं है। तो मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूँ कि आपको पैसे इजी पैसा से जेज कैश में पैसे किस तरह ट्रांसफ़र करते हैं। जब आपने ये क्लियर किया तो सबसे पहले आप अपना अकाउंट नंबर और अपना नाम और अपना बैंक का इधर एड्रेस देखना है। जब आपने देख लिया, आपने कंफर्म किया, तो फिर आपको ये बाय नाउ का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपको इस बाय नाउ के ऑप्शन में क्लिक करना है। तो दोस्तों, मैंने बाय नाउ के ऑप्शन में क्लिक किया तो दोस्तों मेरा अमाउंट इधर से सेंड हो गया। तो दोस्तों देखो, मैसेज भी आ गया, आप ऊपर देख सकते हो कि मैसेज का ट्रायल चल रहा है। तो दोस्तों देखो, 1,000 रुपये मेरे अकाउंट से निकल गया और मेरे जेज कैश अकाउंट में सेंड हो गया, और 30 रुपये इसने चार्जर्स भी लगा लिया, ठीक है। तो दोस्तों, आप इस तरह अपने इजी पैसा अकाउंट से अपने जेज कैश अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो दोस्तों, बहुत इजी मेथड था, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिया कि इजी पैसा अकाउंट से पैसे जेज कैश अकाउंट में किस तरह ट्रांसफ़र करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो,
क्योंकि मैं आपके लिए हर वक्त इस तरह का वीडियो अपलोड करता हूँ।